सऊदी अरब में शहर का एक युवक फंसा हुआ है और उसकी मां घूम घूम कर प्रशासन से गुहार लगा रही। सऊदी अरब में 2011 से कार्यरत अखलाक हुसैन वतन वापस आने के लिए परेशान है और कंपनी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर रखा है। कारण क्या है कुछ पता नहीं। उसकी मां ने रो रो कर डीसी से पहल करने की मांग की है। से काम किया सास मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में आदमी वहाँ का डेड कर गई। कितना साल हुआ आपका बेटा को गए? मेरा बेटा की जाके हो गया 8 साल। कंपनी वाला के वहाँ से एक्सीडेंट हो गया, मेरा बेटा को एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से। तो वहाँ का जो मतलब कंपनी वाला जो था मेरा बच्चा को मतलब जेल में कर दिया। जेल में हो गया मेरा बच्चा, उसके बाद में कंपनी वाला निकाल लिया। कंपनी वाला निकालने के बाद में और मेरा बच्चा को आने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। जिला सचिव दिनेश महतो की अगुवाई में उन्होंने सुनारी निर्मल नगर में पेयजल एवं साफ सफाई के साथ साथ कचरे का उठाव की मांग कर रहे। आम आदमी जिंदाबाद। पानी की व्यवस्था ठीक करे, मुख्यमंत्री जी पानी दीजिए। जनता पर अत्याचार करना बंद करो, कचरा का भी गंदगी का ढेर है। और पूरे जमशेदपुर शहर में जो हेलमेट चेकिंग के नाम पर जो अवैधोषी हो रहा, हम लोग 3 मांग को लेकर आज उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि निर्मल नगर में पानी का व्यवस्था वहां जल्द किया जाए। कांड्रा के पास पुलिस वाहन और ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत में पुलिस कर्मी घायल हुआ है, जबकि चालक की मौत हो गई है। कांड्रा के पास एक पुलिस वाहन और ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत में कोटवार जेल के सिपाही शैलेश्वर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि चालक की मौत हो गई है। और ब्रेक के बाद अगली खबर है। एसएसपी कार्यालय में नए पार्किंग स्थल का उद्घाटन हुआ है। नई व्यवस्था से अधिकारियों को काफी सहूलियत हो गई है। एसएसपी कार्यालय के बाहर पार्किंग की व्यवस्था न होने से काफी असुविधा होती थी, जिसको के सहयोग से उक्त पार्किंग स्थल का निर्माण किया गया है। बुधवार को एसएसपी अनुप बिरथरे ने इसका उद्घाटन किया। देखिए, ये पुलिस ऑफिस में एसएसपी ऑफिस में जो है आज एक नई पार्किंग का उद्घाटन किया गया है और एक नए गेट का। तो इससे सुविधा होगी ऑफिसर्स को यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करने में। पहले यहाँ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं थी, तो गाड़ियों जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको धूप में और बारिश में नुकसान होता था। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का बहिष्कार करने की मांग करते हुए स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि किसान विरोधी कदम है और इसे रोजगार के मार्ग में अड़चन आएगी। उन्होंने इसे भारतीय बाजार पर हमला करार दिया है। रद्द करो, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट सौदा रद्द करो। पिछले सप्ताह दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल ट्रेड कंपनी वॉलमार्ट और भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वॉलमार्ट 77% शेयर फ्लिपकार्ट का खरीद करके और उस पर अपना मालिकाना हक बनाया, जिसके तहत देश में वो खुदरा व्यापार कर सकती है। वॉलमार्ट के खुदरा व्यापार में आने से इस देश के जो खुदरा व्यापारी हैं उनका रोजगार चला जाएगा। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ने ये तय किया है कि हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री से ये आग्रह करेंगे कि आप वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का जो ये समझौता है, ये समझौता रद्द किया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद के विरोध में हिंदू जागरण मंच द्वारा 20 मई को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी मंच के मंत्री अमित कुमार ने प्रेस वार्ता की। 20 मई संध्या 5 बजे उनका एक कार्यक्रम है, विराट हिंदू सम्मेलन, उनका आगमन है सुबह 20 मई को, उसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और कार्यक्रम से संबंधित जो हम लोगों ने अभी तक जो कार्य किया है प्रचार प्रसार हेतु और अन्य जन जागरण हेतु, उसको लेकर के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आज यहाँ बैठे हैं।